दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पर देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जिसको हम शॉर्ट में ECIL भी कहते हैं। तो यह है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसमें किस तरह ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस तरह का माहौल आप जानते हैं आजकल है, काफी सारी क्या है कि फेक और नकली नौकरियां भी निकल रही हैं। तो हमेशा मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप किस भी नौकरी को अप्लाई करें उसको हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट से क्या है कि जरूर चेक करें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ECIL.co.in क्या है इसका URL आपका होने वाला है। तो यहां पे जब आप आएंगे तो ऊपर की तरफ आपको सीधे हाथ की तरफ आपको करियर्स नाम का क्या है कि एक डब्बा नजर आएगा। उसको जब आप उस पर अपना कर्सर रखेंगे या उसको टैप करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है आपका ई रिक्रूटमेंट, उसको क्या है कि आपको करना है टैप। तो ई रिक्रूटमेंट को जब आप टैप करेंगे तो मैंने ऑलरेडी पेज खोल कर रखा है, तो इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा। ये क्या है कि इसमें आपकी जो भी आपकी क्या है कि नई नई नौकरियां निकली हैं ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है यानी कि इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर साथ साथ में टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसेस फॉर द ईयर 2021 एट ECIL हैदराबाद। तो ये वाला जो आपका पहला ऑप्शन है आपको इसको करना है आपको टैप। जब आप करेंगे इसको टैप तो इस तरह का क्या है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि आपके सामने खुल जाएगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में बढ़ू आगे और बताना शुरू करूं आपको ECIL में निकली आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर और साथ साथ में टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वो भी आपकी क्या है कि हैदराबाद में, उससे पहले चलिए देख लेते हैं मेरे चैनल का इंट्रो। तो दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हिंदी में लिखा है, उसी के नीचे अंग्रेजी में लिखा है और साथ साथ में एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका है वो है 34/2020 यानी कि 34/2020। और क्लियरली ऊपर लिखा है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर साथ साथ में टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसेस फॉर द ईयर 2020-21 वो भी किसमें ECIL हैदराबाद में, यानी कि हैदराबाद में क्या है कि आपकी ये क्या है कि आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली, यानी कि क्लियर हो गया कि ये होने वाली है ग्रेजुएट जो है आपकी उनके लिए और साथ साथ में क्या है कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और बताऊँ आपको कौन कौन सी ब्रांच है। उससे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले ही क्लियर कर दूँ। तो जो आपकी अगर आपको अप्लाई करना है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए तो आपके पास क्या है कि 4 साल वाला बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपने क्या है कि किया होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैं भी आपको ब्रांच बताने वाला हूँ उनमें से किसी भी एक ब्रांच में क्या है कि आपने किया होना चाहिए 4 साल वाला। और वो जो आपका बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का जो आपका कोर्स है यानी कि जो आपकी डिग्री है वो आपने 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद ही पास की होनी चाहिए, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री पास करी है 1 अप्रैल 2018 के बाद वही क्या है कि इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा है वो आपने क्या है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद क्या है कि पास किया होना चाहिए, 1 अप्रैल 2018 या 1 अप्रैल 2018 के बाद। तो ये मैंने आपका क्या है कि क्लियर कर दिया। अगर मैं बात करूं पहले ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिसिस की, इसको शॉर्ट में क्या है कि GEA के नाम से क्या है कि डिनोट किया गया। तो इसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच होने वाली है चलिए उसके बारे में बात करें। तो पहली आपकी ECE है जिसकी टोटल नंबर वैकेंसीज क्या है कि आपकी 100 होने वाली है, जिसमें से अनरिजर्व की क्या है कि आपकी 51 होने वाली है, EWS की 5 है, OBC की 27 है, SC की 15 है आपकी और ST की आपकी है कि 7 होने वाली है। दूसरी ब्रांच जो ग्रेजुएट इंजीनियर में है वो CSE है जिसकी टोटल नंबर वैकेंसी 25 है, यानी अनरिजर्व की 13 है, EWS की 1 है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 7 है, ST कैंडिडेट्स के लिए 4 है और ST कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि 2 वैकेंसी आपकी होने वाली। तीसरी आपकी मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के लिए टोटल जो आपकी नंबर वैकेंसी वो आपकी 20 है, अनरिजर्व की 10 है, EWS की 1 है, OBC कैंडिडेट्स के लिए
पांच होने वाली है, एससी के लिए तीन और एसटी कैंडिडेट्स के लिए दो होने वाली है। ट्रिपल ई जो आपका अगला आपकी जो ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें क्या है कि ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस होने वाली है। ई यानी कि ट्रिपल ई की आपकी टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 10 है, जिसमें से पांच आपकी अनरिजर्व, एक ई डब्ल्यू एस, तीन ओ बी सी, एक एस सी और एक एस टी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। उसके बाद लास्ट जो आपकी बची ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो आपकी ब्रांच है वो आपकी है सिविल। सिविल की टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 5 है, जिसमें अनरिजर्व की 3 है और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 है, SC कैंडिडेट्स के लिए 1 है और ST कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह की आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं होने वाली है सिविल में। यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस, यानी कि ग्रेजुएट जो इंजीनियर है उनके लिए जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिसशिप है आपकी, उसकी टोटल नंबर वैकेंसी क्या है कि आपकी 160 क्या है कि होने वाली है और 160 में से क्या है कि आपकी 7 जो सीटें हैं वो आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि रिजर्व होने वाली है। इसके अलावा जो आपका कंसोलिडेटेड स्टिपेंड यानी कि मासिक भत्ता जो आपका होने वाला है ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए, वो आपका क्या है कि 9,000 रुपये प्रति महीना होने वाला है। तो ये तो बात हो गई ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन या फिर ब्रैकेट में जैसे क्लियरली यहाँ पे दिया है डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए, जिसको शॉर्ट में हमने TA कहा है, यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। तो इसमें आपकी दो ही ब्रांच होने वाली है, पहली आपकी ECE है जिसकी टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 10 है, अनरिजर्व की 5, EWS की 1, OBC की 3, SC की 1 और ST की आपकी क्या है कि 1 वैकेंसी आपकी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CSE जो आपका दूसरी ब्रांच होगी आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के लिए, उसकी टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 10 है, अनरिजर्व की 5 है, 1 आपकी EWS की होने वाली है, 2 OBC की होने वाली है, 1 SC की और 1 ST की आपकी होने वाली है। यानी कि टेक्नीशियन जो डिप्लोमा अप्रेंटिसेस में टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 20 है आपकी दोनों आपकी ब्रांचेस को मिलाकर। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने नोटिस नहीं किया है अब तक तो मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल सीट्स आपकी 10 दी हैं तो अनरिजर्व के लिए 5 है, तो EWS की जो वैकेंसीज है वो आपकी अनरिजर्व में से ही क्या है कि ली गई है। यानी कि आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ किसी भी ब्रांच के आगे अगर आप पढ़ेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की, तो ECE की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर वैकेंसीज 10 है जिसमें से 5 अनरिजर्व की है और 5 में से आपकी 1 वैकेंसी क्या होगी कि EWS के लिए रिजर्व होने वाली है अनरिजर्व में से ही। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 5 ये हो गई, 5 और 3 आपका 8 हो गया, 1 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है EWS और पार्ट ऑफ अनरिजर्व, यानी अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उनमें से कितनी वैकेंसी क्या है कि EWS के लिए क्या है कि आपकी रिजर्व होने वाली है। तो इस तरह क्या है कि आप पता कर सकते हैं। और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसिस जो आपकी है इसमें क्या है टोटल नंबर वैकेंसी आपकी 20 है और 20 में से आपकी 1 सीट क्या है कि आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट की क्या है कि रिजर्व होने वाली है 1 सीट आपकी। और कंसोलिडेटेड स्टिपेंड या मासिक भत्ता आप उसे बोल सकते हैं, वो टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसिस के लिए क्या है कि 8,000 रुपये प्रति महीना होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपकी 31 जनवरी 2021 है, जी हाँ 31 जनवरी 2021 है, और मैक्सिमम उम्र क्या है कि आपकी 25 साल या उससे कम आपकी होनी चाहिए, यानी 25 साल या उससे कम यानी 25 years और लेस आपकी होनी चाहिए 31 जनवरी 2021 को। और अपर एज लिमिट में जो आपकी रिलैक्सेशन यानी कि छूट दी गई है, तो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट को 5 साल, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 5 साल का, और OBC कैंडिडेट जो है उनको 3 साल का क्या है कि आपका क्या है कि अपर एज लिमिट यानी कि ऊपरी आपकी उम्र सीमा है उसमें क्या है कि छूट दी गई है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो कितने समय की आपकी ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप होगी, तो उसका ड्यूरेशन आपका होने वाला है 1 ईयर यानी कि 1 साल, और अप्रेंटिसशिप आपकी स्टार्ट होने वाली है 4 फरवरी 2021 से, जी हाँ 4th of February 2021, और ड्यूरेशन क्या है कि आपका 1 साल होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी, यानी कि ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास, जो मैंने आपको इंजीनियरिंग ब्रांच बताया उनमें से किसी भी एक में, और वो आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री 1 अप्रैल 2018 है उसके बाद ही क्या है कि पास की होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जो है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जो है आपने पास किया होना चाहिए 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद क्या है कि आपने अपना डिप्लोमा कोर्स 3 साल वाला डिप्लोमा क्या है कि आपने पास किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेथड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो सिलेक्शन आपका बहुत ही सिंपल है, आपका सिलेक्शन जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके आधार पे होगा। अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर, और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो डिप्लोमा में आपके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर क्या है कि आपका सिलेक्शन क्या है कि होने वाला है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिफ्थ नंबर के कॉलम की, यानी हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई आपका बहुत ही सिंपल है, जो आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप के लिए NATS पोर्टल है, जिसकी वेबसाइट www.mhrd.nats.gov.in है, उसके थ्रू क्या है कि आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी NATS पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले आप जाके NATS पोर्टल यानी कि ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है www.mhrd.nats.gov.in, इस पर जाके आप अपना रजिस्टर कर लीजिए अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, तो फिर आप जाके वहाँ पर सर्च कीजिए और कीजिए सीधा अप्लाई। अब क्या है कि कुछ लोग क्या है कि थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपका कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे जनरल कंडीशंस जो दी गई हैं 7 नंबर की, उसको पढ़ना क्या है कि बहुत ही आपका ज़रूरी है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जे नंबर का जो आपका पैराग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैंडिडेट्स जिन्होंने क्या है कि पहले अप्रेंटिसशिप कर रखी है, या फिर क्या है कि आप ऑलरेडी कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत, तो फिर क्या है कि आप एलिजिबल, यानी कहने का मतलब अगर आप ऑलरेडी आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत आपने कोई अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी कर ली है या क्या है कि आप कर रहे हैं, तो क्या है कि फिर आप एलिजिबल आपका नहीं होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9th नंबर का पैराग्राफ क्या है कि आप ढंग से पढ़ लें, 9th नंबर का पैराग्राफ में क्या है कि आपको पहले बताया गया है कि जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी NATS या BOAT वाला जो आपका पोर्टल है उस पर, यानी कि इसकी वेबसाइट mhrdnats.gov.in है, उस पर आप अपने आपको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोसेस ऑन www.mhrdnats.gov, तो इन सारी चीज़ों को क्या है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने आपको कर सकते हैं रजिस्टर। तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको कर सकते हैं रजिस्टर। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जब आप रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रजिस्टर कर दें। उसके नीचे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स फॉर सर्च ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, यानी इसमें आपको बताया गया है किस तरह क्या है कि आप उसी वेबसाइट से यानी कि mhrd.nats.gov.in पर रजिस्टर करने के बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो ये अप्रेंटिसशिप निकली उसको ढूंढ सकते हैं और किस तरह क्या है कि आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वीडियो आपका आज का काफ़ी वीडियो छोटा था क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी नहीं है वीडियो में बताने के। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो क्या है कि आपका आपकी ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गया, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट डेट जो आपका 8th नंबर का पैराग्राफ, इसमें क्लियरली आपका क्या लिखा गया, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू NATS पोर्टल, यानी कि अंतिम तिथि क्या होने वाली है आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की NATS पोर्टल जो कि आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, तो होने वाली आपकी 15 जनवरी 2021, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय क्या है कि नहीं दिया गया है। दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, क्या है कि आपका ग्रेजुएट इंजीनियर और साथ साथ में टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो कि आपकी ECIL में निकली है हैदराबाद में आपकी होने वाली है रिक्रूटमेंट, उसके बारे में। इस तरह आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको क्या है कि आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 15 जनवरी क्या है कि आपकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी इस अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्टर करने के लिए, तो आपको करना ये कि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को आप वहां से खोल के पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को क्या है कि समझ लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका ECIL.co.in है, इसका लिंक भी मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इसके अलावा आपकी जिस वेबसाइट पे अपने आपको आपको रजिस्टर करना है, यानी कि आपकी अप्रेंटिसशिप जो NATS पोर्टल की जो वेबसाइट है इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई, और इसके अलावा मैंने आपको क्या कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको क्या है कि जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है mhrdnats.gov.in इसका लिंक भी दिया, यानी कि आप इसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपने आपको क्या है कि अप्रेंटिसशिप के लिए क्या है कि रजिस्टर भी कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ वीडियो खत्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में काफ़ी सारी नौकरियाँ निकलती हैं और हर एक नौकरी को वीडियो के माध्यम से कवर कर पाना क्या है कि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या है कि आपका कोरा जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है, तो इस पेज पर मैं क्या है कि नई नई नौकरियों की जानकारी क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। हर दिन मैं इस पेज पर क्या है कि नई नई नौकरी जानकारी पोस्ट कर सकता हूँ, और आप कोरा पर मुझे फॉलो नहीं करना चाहते तो आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक पर भी मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है, इस पेज पर भी क्या है कि मैं नई नई नौकरियों की जानकारी क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। तो यानी कि आप जाके इन
इन दो पेज में से किसी भी एक पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोनों पेजेस का लिंक यानी कि कोरा पे जो मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है और साथ साथ में फेसबुक पर जो जॉब एक्सप्रेस का पेज है, दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली अप्रेंटिसशिप के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो इसे लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती है। और इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।